भाई एक बात तो मानने वाली है अपनी जो है, अपने चार सफारियां करी हैं, चारों में अपने को लाइन दिखा है क्यों भाई? चारों चारों में हमें लाइन दिखा है। अमिताभ बच्चन जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने पांच सफारी करी तो उनको एक बार दिखा था लाइन। उन्होंने फेमस किया इस गिर नेशनल पार्क को, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, उनको भी एक बार दिखा था देख ले पांच सफारी में, हमें चार में से चारों बार लाइन दिखा है। मज़ा आ गया भाई, गिर नेशनल पार्क आना तो बनता है बॉस। अभी लेपर्ड की साइटिंग हुई है, हमें दिख गया है, थोड़ा थोड़ा कैमरे में भी आ गया है। थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि लेपर्ड देख रहे हैं भैया, लेपर्ड दिखाओ, मात्र दो मिनट के अंदर ही लेपर्ड दिख गया। सांभड़िया, और इसके बाजू में देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ जोरदार, ये देखिए, ये सरप्राइज, ये देखिए क्रोकोडाइल। फिर से सिंह सदन गिर नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। गाड़ी पार्क करो फटाफट, चलो अपनी सफारी के लिए, इवनिंग सफारी, आधा घंटा रह गया जाने में, जिप्सी अलॉट होगी अभी, चलते हैं फिर। ट्रैवलिंग मास्टर सुनील के एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों फिर से वही सफारी करने जा रहे हैं, अपनी फोर्थ सफारी, इवनिंग सफारी। दोस्तों इस वक्त हम जा रहे हैं कि नेशनल पार्क प्रोसेस है, जैसे आपको बताया था 800 का हमने परमिट ऑनलाइन कराया और 2000 की जिप्सी है और 400 रुपये गाइड का चार्ज है, वही 3200 चार्ज है आपको मैंने बताया था। यहाँ पे पानी की बोतल 10 रुपये की मिलती है, अपनी प्लास्टिक की बोतल यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ इनकी स्टील की बोतल होती है मिल्टन कंपनी की, वही चलेगी। तो आप ये बात ध्यान रखना है, प्लास्टिक नो प्लास्टिक जोन है। ये आपको रूट नंबर और कौन से गेट से जाना है आपको बताएंगे। ये आपका परमिट, हमारा परमिट आ गया, कुछ इस प्रकार रहेगा परमिट जो है, ये लीजिए, यहाँ से ये वाला परमिट जाएगा पीछे की तरफ, इधर की तरफ पीछे, यहाँ पे इनको हमने पेमेंट करनी है 2400 गाइड के, और यहाँ पे आपकी पेमेंट करनी रहेगी उसके बिल्कुल बाजू में पीछे की तरफ, और यहाँ से आपको जिप्सी अलॉट करेंगे, जिप्सी यहाँ पे आपको रेडी मिलेगी। ये देखिए इस वक्त माहौल देख लीजिए कितना गर्म माहौल है, सब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिप्सियाँ लग रही हैं लाइन में। हमारी जिप्सी जो है जो हमें राइड कराएंगे, सर शुभ नाम, कीमती भाई पटेल, कीमती भाई वनकर, और ये हमारे गाइड शेख रोमान जी, आज हमें पूरा घुमाएंगे चार नंबर रूट, ठीक है सर? ठीक है, कुछ बोलो यार। अरे अच्छे से घूमेंगे हम लोग, क्या बात है, चलो ठीक है, थैंक यू। दोस्तों आज ये हमारी फोर्थ सफारी है गिर नेशनल पार्क की, और हमें रूट मिला है आज चार नंबर, चार नंबर रूट। तो जैसे कि आपको पता है गिर नेशनल पार्क के 13 रूट हैं, तो इन्होंने ट्रैफिक कम करने के लिए 13 रूट बनाए हुए हैं। वैसे देखा जाए तो दो ही एंट्री है यहाँ जाने के लिए, एक एंट्री सिंह सदन के लेफ्ट हैंड पे है, एक एंट्री सिंह सदन के राइट हैंड पे है। वहाँ पे इन्होंने रूट बनाए हुए हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ताकि गाड़ी एक जगह पे इकट्ठी ना हो, और इनके रूल पक्के हैं, जो उनको रूट दिया जाएगा ड्राइवर आपको वहीं ही लेके जाएंगे, कोई दूसरे रूट पे नहीं लेके जाएंगे। हमारी फोर्थ सफारी शुरू, रूट नंबर फोर नंबर, व्हाट अ कोइंसिडेंस, वन भी हो गया, टू भी हो गया, फोर भी हो गया, वन पे वन था हमारा, फोर पे फोर। सी सदन गिर नेशनल पार्क, ये देखिए ये जो होटल है, ये अपने आप गिर लाइन, यहाँ से अपने को राइट जाना है। देखो मगरमच्छ लिखा है, इस नदी में मगरमच्छ होगा यहाँ पे। सुबह भी हमने यहीं से ही सफारी की थी, रूट नंबर 2, 4, 6, 9, 11, 12, 470। दोस्तों गिर नेशनल पार्क की हमारी ये लास्ट सफारी है, इसके बाद हम लोग भी जाएंगे सोमनाथ टेम्पल। आज आपको रूट नंबर 4 की सफारी करवा रहे हैं। भाई थोड़ी जानकारी दीजिए हमें रूट नंबर 4 के बारे में और गिर नेशनल के बारे में। देखिए अभी तो हम लोगों ने 4 नंबर रूट का एंट्री लिया है यहाँ चेक पोस्ट से। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि 3 घंटा हम लोग घूमने वाले 4 नंबर रूट के ऊपर। हाँ जी, और देखते हैं क्या क्या मिलता है। हाँ
थोड़ा बहुत एरिया ऐसा रहेगा कि पानी वाला ज्यादा रहेगा। अच्छा पानी वाला एरिया ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, डैम वाला साइड जो है रूट नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, दोस्तों सुबह भी हमने इसी गेट से ही रूट नंबर 2 की सफारी की थी। इसी गेट से हम रूट नंबर 4 पे जा रहे हैं। अब सुबह और दिन दोपहर के में कितना फ़र्क है, देखिए आप कितना फ़र्क है यहाँ पे। ये क्या है कि खेत की तरफ मूवमेंट करेगा रात के वक्त। अच्छा लाइन नहीं, जो हर्बीवर्स एनिमल रहेगा वो। अच्छा वो इनकी फसल ख़राब करने जाते हैं किसान। हाँ, जैसे कोई सांभर होगा, डियर, वाइल्ड बोर, मिल्का है, तो ज़्यादातर क्या है कि उसके मूवमेंट के पीछे पीछे लाइन का मूवमेंट भी वैसे एरिया में होता है। सही बात है। और आपने सुना होगा कि लायन और लोग एक दूसरे का अभी ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे, मिलके रह रहे हैं सब। हाँ। मिलके रह रहे हैं एक साथ जो है। हाँ। क्योंकि मैंने ये सुना दोनों लायन ही है देखा जाए तो। हाँ। दोनों यही पैदा हुए हैं, मालधारी जो है, लाइन भी इधर पैदा हुए हैं और मालधारी भी इधर ही पैदा हुए हैं, दोनों एक साथ मिल रहा हुआ है। सांबर डियर है उसके पीछे भी है। हाँ, छोटा सा लाइन को तो सांबर मिल जाए एक बार उसका तो काम हो जाता। क्यों? क्योंकि इसमें मांस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, भर पेट खाना मिलेगा, पूरी फैमिली भी पेट भर लेती है जो है। जैसे जैसे शाम होगी वैसे मूवमेंट बढ़ेगा जंगल में। हमारी लेपर्ड साइटिंग नहीं हुई यार यहाँ पे, देखते हैं सर इसको। आज कोशिश करो लेपर्ड साइटिंग हो जाए। ये नेशनल पार्क के लेपर्ड भी देखना चाहते हैं। अच्छा तो भैया लाइन साइडिंग हो गई। लेपर्ड है, मैंने बोला ही था लेपर्ड देखने। लेपर्ड है भाई, लेपर्ड ही है। हाँ वो देख रहा है, खड़ा हुआ वो देख, कैमरा ऑन करने में मेरे को टाइम लगा। वो लेपर्ड जा रहा झाड़ियों में, देख रहा है वो जा रहा भैया। हाँ मुझे दिखाई दिया, क्रॉस करते समय दिखाई दिया ना, वो रोड क्रॉस करी थी यहाँ से देखा। बोला मैंने लेपर्ड, देखो लेपर्ड दिख ही गया यहाँ पे, अंदर ही जा रहा है पर बाहर नहीं आ रहा। वो अच्छा रोड घूम के वहीं जा रही है। अभी लेपर्ड की साइटिंग हुई है, हमें दिख गया है, थोड़ा थोड़ा कैमरे में भी आ गया है। थोड़ी देर पहले बोला था मैंने लेपर्ड देख रहे भैया, लेपर्ड दिखाओ, मात्र 2 मिनट के अंदर ही लेपर्ड दिख गया। देखते हैं अभी, वो जिप्सी जा रही है, उनको रोड क्रॉस करते हुए दिखा था। जंगल में यही मोमेंट होते हैं, 1 मिनट के अंदर ख़त्म। लायन क्या है डरता नहीं है गाड़ियों से, लेपर्ड क्या है शर्मीला जानवर है, वो थोड़ा सामने नहीं आता, छुप छुप के रहता है। अभी 5 मिनट वेट करी है तो देखते हैं उस तरफ घूम के जाने वाले हैं, वहाँ से दिखेगा लेपर्ड शायद, क्योंकि ये रोड यू टर्न ले रही है ऐसे। ये रोड देखो यू टर्न ले रही है ऐसे, उसी के रूट में है ये। भाई देख कॉल हुई, ये 2 डियर खड़े हैं सामने, वो लेपर्ड उनके आजू बाजू ही है। रमन भाई एक बात देख रहा हूँ मैं, लायन जो है भारी है, ठीक है, उसका शिकार जो है बोले 25 बार में एक या 2 बार होता है जो ट्राई करता है, पर लेपर्ड तो मेरे हिसाब से 5 में एक बार किल कर देता होगा। हाँ। है ना, क्योंकि वो फुर्तीला बहुत है। लेपर्ड इन्हें एकदम फुर्तीला है। हाँ फुर्तीला बहुत है वो, क्योंकि हिरन के पीछे फुल स्पीड से ना भाग। देखो कितने चौकन्ने रहते हैं हर वक्त, देखो एक टक देखी जा रही है हिरन ये।
फीमेल, देखो इनको आइडिया हो जाता है इनके कान कैसे देख आगे पीछे होंगे, देख इसको स्मेल आ जाती है। एक मस्त है खाने में, दूसरी चुकन्नी हो गई है। लेपर्ड के आजू बाजू ये है, देखे स्मेल कर रही है नोज, देख उसका एकदम जमीन पे बैठ बैठ के आता है चुपके चुपके से, देखे फिर देख रही है सेमी। इस टाइम पर तो अपनी प्रेजेंस की कोई परवाह नहीं है, कॉल करेगी देखना अभी थोड़ी देर में। देख भाई गर्दन जैसे घुमा रही है, पर ये चीज है लेपर्ड हो टाइगर हो लायन हो कभी सामने से शिकार नहीं करते। लेपर्ड क्या है कि एक दिन साइलेंट हो जाएगा ना एरिया बिल्कुल, तभी निकलेगा। ठीक है कुछ नहीं है। वहाँ पर टोटल कितने किलोमीटर की रहती है जो जर्नी है अपनी ये वाली सफारी की? टोटल जो रूट रहता है ना वो करीब करीब 25-30 किलोमीटर के आसपास। ये अप एंड डाउन होता है कि वन साइड होता है? वैसे तो वन साइड होता है, अप एंड डाउन तो नहीं कह सकते, टोटल राउंड रहता है ये। एक साइड से अगर एंटर हुए तो दूसरी साइड के ऊपर एग्जिट करना होता है, तो 35 किलोमीटर हो जाता है। हाँ, और कई रूट ऐसे है कि भाई जहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे एग्जिट भी वही गेट से करना पड़ेगा। जैसे आप लोग दो नंबर, हम दो नंबर पे गए थे सुबह में सफारी किया, तो जिस गेट से एंट्री लिया होगा वही गेट से आपने एग्जिट भी किया होगा। एग्जिट किया, ठीक है। लेकिन फोर नंबर उससे थोड़ा उल्टा है कि जिस गेट से एंट्री लेंगे उसके अपोजिट साइड से दूसरी तरफ से दूसरे गेट से हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा। सही है। तो हमारी ये तीसरी सफारी है, हमने पहली एक नंबर से करी, एक नंबर से रिटर्न आए, दो से करी, दो से रिटर्न आए, और आज हम पहली बार यानी कि फोर से कर रहे हैं और एक वाली साइड से सेवन नंबर गेट से बाहर, सेवन नंबर गेट से बाहर आएंगे। ठीक है, वहाँ से एक नंबर, तीन नंबर, सेवन नंबर, फिर बट ट्रैफिक डाइवर्ट करी हुई है ना सब, उन सारे गेट का एंट्री है। भाई देखो इस जंगल के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, पर हम क्या है इस रोड से ही चलते हैं खाली, जो ये रोड दिख रही है। ठीक है, असली मूवमेंट तो इसके अंदर हो रहे हैं ना, जो है जहाँ हम जा नहीं सकते। ये तो टाइगर, सॉरी टाइगर का लायन और लेपर्ड की जो टाइमिंग और हमारी टाइमिंग अगर सेम होती है तो ही हमको वो दिखते हैं, ये बात होती है जो है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? लेपर्ड जो होता है वो क्या है कि जंगल से एकदम कैमोफ्लेज रहता है। सही बात है, बॉडी बिल्कुल मैच करती है, बॉडी का कलर एकदम जंगल को मैच करेगा। तो क्या है कि एक बार भी अगर नजर से हटा बस उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सही बात है, क्योंकि अच्छा जिस जगह के ऊपर क्या है कि नजर से हटा होगा वहाँ से क्या जल्दी से मूवमेंट करेगा ना, तो फिर उस जगह के ऊपर इतने एरिया में वापस नजर नहीं आएगा। क्या है कि अब फील वहाँ पे उसे मिल गया है रात के वक्त, तो रात के वक्त उसने कहीं पे मूवमेंट नहीं किया होगा। अगर वहाँ से वो मूवमेंट करता तो यहाँ पे भी आ सकते, क्रोकोडाइल पड़ा हुआ है यहाँ पे सामने। ओहो भैया रुको 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 यार रुको रुको भाई, ये तो जाता था, ये देख ये बिग मेल सांबर डियर। ठीक है, देख बिग साइज सांबर डियर, और इसके बाजू में देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ जोरदार, ये देखिए ये सरप्राइज, ये देखिए क्रोकोडाइल, देखा चीज कितनी शानदार है। दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, देख लो ये देखिए क्रोकोडाइल है, यहाँ सांबर डियर दिख रहा है, और यहाँ पे क्रैब दिख रहा है, अभी क्रैब वो पानी में छोटी छोटी फिश भी तैर रही हैं। ये मछली खाता होगा और क्या, पकड़ के भाई जंगल देखो यार कितना बढ़िया यार, ब्यूटीफुल है यार फॉरेस्ट, शांत वातावरण, पंछियों की चहचहाट,
और क्या चाहिए, गिर नेशनल पार्क। इसको स्मेल आती है पूरी लाइन की, देख रहे हैं ऐसे जंगल में जहाँ इतने तादाद में लेपर्ड हैं, इतनी तादाद में लायन है, और उसमें जानवर को बड़ा होना, इतना बिग मेल यहाँ तक पहुँचना इतनी उम्र में, हाँ कितनी बड़ी बात है। क्या पता कितने बार इसके साथ मोमेंट हुआ भी हो किलिंग का जो है, पर फिर भी जंगल बचाए रखना, हर वक्त इनके सर पे मौत बैठी होती है। वाह, एक चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे, हर रूट पे अलग चीज़ मिलती है ना यहाँ पे। ये देखो बर्ड लवर के लिए कितनी प्यारी जगह है, यहाँ पे कितनी तरह के भैया पक्षी दिख रहे हैं ना यहाँ पे 300+। ये देखो तीन पक्षी एक साथ इकट्ठे दिख रहे हैं, देख ले, ये देखो 1, 2, 3 आवाजें आ रही हैं पैरट की, पीछे से आ जाए लाइन, मजा आ जाए। चले सर, के पेड़ बहुत आते हैं ना यहाँ रास्ते में, हर रूट में बहुत अच्छे लगते हैं ना जंगल में ये। बरगद के पेड़ के नीचे क्या छांव भी रहेगी, छांव भी रहती, ठंडा भी रहता है, एरिया रहेगा पूरा। पत्ते क्यों नहीं गिर रहे हैं, मार्च महीने में इनमें पत्ते होते हैं कि पूरे खाली हो जाते हैं पेड़ ये? सागवान का जो पेड़ रहेगा ना, हाँ वो पत्तों को छोड़ देगा। अच्छा, नए पत्ते आएंगे बारिश में। हाँ, बारिश में फिर कि ये जो मालधारी हैं, इन्होंने भी लाइन को बचाने में बहुत मदद कर दी है, गवर्नमेंट की बहुत मदद किया हुआ है। इन्होंने ही उसको बचाए रखा है पोचिंग से, क्योंकि देखो हर एक आदमी अभी यहाँ का है ना, हर एक चीज जानता है, क्योंकि लोकलाइजर को पता है कि भाई पूरे एशिया में से अगर एशियाटिक लायन अभी जहाँ पे मूवमेंट कर रहा है वो सिर्फ गिर एक ही जगह वैसा है, वो जगह बची रहनी चाहिए, सेफ रहनी चाहिए। सही बात, तो लायन का जो ये लास्ट होम है उसको कुछ भी होना नहीं चाहिए, एकदम सेफ रहना चाहिए। सही बात है, इसीलिए क्या है कि ज्यादा से ज्यादातर यहाँ पे लोकलाइजर भी सपोर्ट कर रहे हैं। खेलने कर रहा है छोटा सा बच्चा, बिल्कुल अनजान है, इतने बड़े खतरनाक जंगल में इसने जन्म लिया है। ये देखिए कमलेश्वर डैम सामने, वो देखिए वहाँ पानी, वहाँ से पानी रोका हुआ है इन्होंने, बारिश में पूरा ओवरफ्लो होता होगा। एक बार फिर से कमलेश्वर डैम, रूट नंबर 4 पे भी कमलेश्वर डैम आता है। दोस्तों हर कोई इतनी दूर से यहाँ सफारी करने आता है, उसको अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी रूट नहीं मिलता जो है। हमने उनको बोला, मैम को जो वहाँ पे परमिट काउंटर पे बैठी थी, मैंने बोला कि मैं यहाँ इस रूट पे गया हूँ, मुझे मत भेजो यहाँ पे, पर उन्होंने नहीं, यहाँ यही जाना है आपको जो है। उन्होंने ज़बरदस्ती 4 नंबर रूट फिर दोबारा दे दिया। मैंने कल ये सेम रूट है, मैं आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैं यहाँ पे होके गया हूँ, फिर दोबारा वही जगह पे आना पड़ रहा है हमें, खाली इनकी मर्जी के कारण जो है। ये सिस्टम यहाँ का अपने को अच्छा लगा नहीं, गलत सिस्टम है जो है। ऐसा होना चाहिए कि अपनी खुद की चॉइस होनी चाहिए, हम कौन से रूट पे जाना चाहते हैं। हम भाई पैसा दे के आ रहे हैं, फ्री में तो नहीं आ रहे, हमने पैसा दिया, हमें हमारी मर्जी का रूट दो जो है। अगर वो नहीं है तो बताओ, हम नहीं आएंगे ना यार यहाँ पे जो है। अब ये देखो ना जो है, हमारी मर्जी नहीं चलती, इनकी मर्जी चलती है, बड़ा रैंडमली मिलेगा, हाथ से लिखते हैं वो लोग, हाथ से, कोई कंप्यूटराइज नहीं है, हाथ से लिख के देते हैं अपनी मर्जी से जो है। हम यहाँ पे नहीं आना चाहते तो भी ज़बरदस्ती यहाँ भेजा है हमें। देखो आज का तो सफारी आधे घंटे से मैंने कैमरे को हाथ में लगाया जो है, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी आ चुका हूँ, दोबारा ज़बरदस्ती भेजा गया है यहाँ पे जो है। ये है गिर नेशनल पार्क की, आपको सच्चाई बता रहा हूँ जो है यहाँ की, ज़बरदस्ती हमको ये वाला रूट दिया गया है, ज़बरदस्ती। कल भी हम यहाँ पे आए थे, आज भी हम यहाँ फिर दोबारा आए हैं। कमलेश्वर डैम कल भी देखा था, आज भी देख रहे हैं जो है। ये सिस्टम गिर नेशनल पार्क में गलत है, रैंडमली रूट नहीं देने चाहिए, बुकिंग सिस्टम होना चाहिए, हमें कौन सा रूट पसंद है हम उस रूट पे जाना चाहते हैं,
वही रूट की हमें इन्होंने परमिट देना चाहिए जो है। हम पैसे दे रहे हैं, हम फ्री में तो आ नहीं रहे यहाँ पे जो है। हमारी जो मनपसंद का रूट है हमें देना चाहिए। बस मेरी छोटी सी आपसे एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे ऐसा चलता है। लाइन बैठा है, लाइनस रोहन, वेरी गुड। 200 मीटर कमलेश्वर डैम से ही आए हैं और यहाँ देखो लाइन बैठा है। भाई ने बताया कि अभी लाइन मिलेगा पक्का, और ये देखिए लाइन मिली गया जो है। फीमेल है? फीमेल है ये। वाओ, अकेली बैठी है आराम से। भाई इसके साथ और भी तो होंगे? ये अकेली फीमेल है। अकेली है, दूसरे तो कहीं आसपास के एरिया में। मायूस नहीं किया इन्हें अपने को जो है। हाँ, खाली नहीं जा रहे, देख के जा रहे हैं। 16-17 घंटे आराम करते ही। अच्छा, उसका रीजन है पूरी नाइट इसे मेहनत करने के लिए, खाने के लिए कोई टाइम नहीं है। सुबह उधर सो रहे थे, अभी मेरे हिसाब से उसने पूरा खाना खाया हुआ है। शिकार के लिए घूम रहे हैं, शिकार की ट्राई करनी है, एनर्जी बचाता रहता है पूरा। 40-50 फीट होगा ना अपने से जो है लाइन से। 40-50 फीट हो गया ना जगह। जैसे जैसे शाम होगी, मौसम ठंडा होगा, वैसे इनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी जंगल में। धूप में तो बिल्कुल दिखते भी नहीं है। चलिए जल्दी, कैसे लड़ाइयाँ ले रही हैं धीरे धीरे। किसी और गाड़ी आ रही है, भाई एक बात तो मानने वाली है अपनी जो है। अपने चार सफारियाँ करी हैं, चारों में अपने को लाइन दिखा है क्यों भाई? चारों चारों में हमें लाइन दिखा है। अमिताभ बच्चन जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने 5 सफारी करी तो उनको एक बार दिखा था लाइन। उन्होंने फेमस किया इस गिर नेशनल पार्क को। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, उनको भी एक बार दिखा था, देख ले 5 सफारी में। हमें 4 में से चारों बार लाइन दिखा है, मज़ा आ गया भाई। गिर नेशनल पार्क आना तो बनता है बॉस, बिल्कुल। पर गारंटी भी नहीं है, हम लोग आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हमारी वीडियो देख के आप आ जाओ, आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। हमें लगभग 10 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए, पर ये जो लाइनस है इसकी कोई मूवमेंट नहीं है, आराम कर रही है। क्योंकि रात को इसको जागना है, इसको किल करना है, अपने जो खुद का खाना उसको बनाना पड़ेगा, इसको जो है खुद अरेंज करना पड़ेगा रात के लिए। तो इसको अभी सोना है तब ये रात को जागेगी, ऐसा ही है इनकी लाइफ जो है। मेहनत करनी पड़ती है भाई, बहुत बहुत किलोमीटर इनको चलना पड़ता है खाने के लिए। 15-20 बार में एक बार इनका होता है शिकार जो है कम्प्लीट। को दिखाता हूँ, अभी भी सो रही है आराम से जो है मज़े से। देखो जैसी ज़मीन है वैसी उसका बॉडी का कलर है, स्ट्रक्चर देखो सेम है। काफ़ी टाइम तक इसकी वेट करिए पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो फिर हम आगे चलते हैं। अभी जो है ये भी क्या है, आराम के मोड में है। अभी आगे और बहुत दिखने वाले हैं, देखना लाइन। देखिए यही रूट है जहाँ पे लाइन मूवमेंट कर रहा होता है, यही रूट है, एकदम खाली खाली से दिखते हैं। तो जब लाइन मूवमेंट कर रहा होता है कितना मज़ा आता है यही रूट पे देख के, और जब अभी कुछ नहीं है तो कैसा लगता है, एकदम सुना सुना खाली खाली सा जंगल लगता है जो है। यानी कि लाइन हो डियर हो बहुत अच्छे लगते हैं। सनसेट होने वाला है, हमारी सफारी आधे घंटे की रह गई है। कोई लंगड़ा के चल रहा है तो यार ऐसे कैसे चलेगा जंगल में, है ना? कभी लंगड़ा के चला है? ओ माय गॉड, जंगल में कितना मुश्किल है सर्वाइव करना इसके लिए। ये तो भाग भी नहीं पाएगा, क्यों भैया? चोट लग गई होगी ना कहीं, भागने में ही टकराया होगा ये। तो इसकी अभी आपके हिसाब से लाइफ ज्यादा नहीं होगी? मेरे हिसाब से मेल है, एकदम बड़ा मेल है ये। हाँ, उम्र भी होगी, बुजुर्ग है। माय गॉड, देख अंतिम दिन आए इसके, देख ले अभी तू। इतना मुश्किल पल देखने को मिल रहा है इसका। इसको तो लेपर्ड भी मार देगा भैया। नहीं, लेपर्ड नहीं मार पाएगा, अगर भागेगा नहीं ना तो शायद मार देगा। चलिए
लाइन दिखा था, अभी भी यही टाइम पे मूवमेंट है, लाइन लाइन इसका रोड पे बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं, रोड पे। चलिए चल के देखते हैं आगे। भाई शाम को ही मूवमेंट होती है लाइन की, शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में ये दिखने शुरू हो जाते हैं जो है जंगल में। वही कल वाला है कल भी यही था, यही था कल भी, और यहीं पे ही दिखा लगभग कल भी। चेहरे खिल गए भाई, जंगल का राजा होता है राजा, राजा इसी को बोलते हैं, बीच में चलता है ऐसे शान से चलता है जो है। ये देखिए राजा, तभी बोलते हैं इसे राजा है ये जंगल का। साइड को फीमेल है भाई, इसका साइज देख ले यार, साइज देख ले कितना बिग साइज है। नहीं मेल है, सॉरी सब एडल्ट मेल है, ये कल वाला ही है सर। देखा ये देखो चला गया, हाँ इनके चक्कर में वो देखो झाड़ियों में चला गया, वो भाग गया, वो देख भाग गया, स्पीड में भाग गया। देखा आपने एक और मेल लाइन दिखा हमें जो है, आज हमें दो दो लाइन दिखे जो है, दो देखो। ये दिखे भी कब है, लास्ट आधे घंटे की जो सफारी, आधे पौने घंटे की सफारी थी तभी दिखे हैं जो है, पहले बिल्कुल 2 घंटे की सफारी तो ऐसी जाती है इवनिंग वाली जो है, और तो मॉर्निंग वाली में सुबह में दिखने शुरू हो जाते हैं जो है। इवनिंग की सफारी में 2 घंटे जब तक धूप रहेगी तब तक मूवमेंट नहीं होगी, धूप जाएगी तो मूवमेंट जंगल में शुरू हो जाएगी। रात को, रात को तो और भी ज़्यादा मूवमेंट होती है जंगल में, पर रात को लोग यहाँ पे आ नहीं सकते। दोस्तों ये थी हमारी गिर नेशनल पार्क सफारी का लास्ट एपिसोड जो था, आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। हम आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह हम आपको हर फॉरेस्ट की वीडियो दिखाते रहेंगे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।